ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के यहाँ पर कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि एंड्रॉयड 11 में अपडेट होने से रह रहे थे। एंड सैमसंग ने फाइनली उन स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड 11 बेस्ड वन यूआई 3.1 का जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा सैमसंग ने अपनी ए सीरीज़ के ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड 11 के साथ में अपडेट कर दिया है। बट ऐसे में यहाँ पर अभी भी सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन्स बच गए थे, और भी थोड़े बहुत स्मार्टफोन्स हैं जिनको कि अपडेट होने से रह रहे हैं, एंड वो भी बहुत जल्दी फ्यूचर में अपडेट हो जाएंगे। एंड ऐसे में यहाँ पर सैमसंग जो गलेक्सी A20 है एंड सैमसंग गलेक्सी A30s है, इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए रिसेंटली अपडेट रिलीज़ किया गया है। एंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सैमसंग ने वन यूआई 3.1 का अपडेट रोल आउट करा है। एंड ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा बग्स एंड प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये लास्ट में जाकर के अपडेट रिलीज़ किए हैं। तो काफ़ी अच्छे से इनको ऑप्टिमाइज एंड वेल मेंटेन करके सैमसंग ने रिलीज़ करा है FOTA के थ्रू। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे एक सब्सक्राइबर है मुख्तार, उन्होंने शेयर करी, सो थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर इस फीचर्स और नए चेंजेस के बारे में बात की जाए तो वन यूआई 3 में जो हमें नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक नोटिफिकेशन पैनल को सैमसंग ने चेंज कर दिया है, यहाँ पर एनिमेशन में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो नेट कनेक्टिविटी है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर वो भी इंप्रूव की गई है। एंड साथ ही साथ इन स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है उसके अंदर भी लेटेस्ट इमेज प्रोसेसिंग यूज़ की गई है। हालांकि ये एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन है तो बजट कैटेगरी में ही लिमिटेड है, मतलब जो इमेज प्रोसेसिंग है वो काफ़ी हद तक लिमिट है कि उसके ऊपर अगर जाएगी तो वो दूसरे स्मार्टफोन्स के लिए है। बट स्टिल यहाँ पर जो इसका जो कैमरा का हार्डवेयर है जो बेस्ट पिक्चर प्रोड्यूस कर सकता था उसे प्रोड्यूस करके इमेज प्रोसेसिंग उस पर अप्लाई करके एंड देन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पर। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी इमेज कैप्चर करना चाहते हो तो फिर आपको एक डिफरेंट स्मार्टफोन परचेस करना पड़ेगा जो कि थोड़ा हाई एंड कैटेगरी में आता है, 20-22 हज़ार रुपये का, या उससे ऊपर में नहीं जाना चाहते इससे नीचे ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सैमसंग के। एंड कैमरा एंथूजियाज यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्टफोन से सैमसंग के स्पेशली, बिकॉज प्रोसेसर तो सैमसंग इतने ज़्यादा ज़बरदस्त और तगड़े नहीं देता अपना मोस्टली स्मार्टफोन्स के अंदर, बट जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर सैमसंग ने इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए जो अपडेट है इंडिया के अंदर भी रिलीज़ किया है, दैट मीन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट अपनी सेटिंग्स में जाना है एंड आप सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, डाउनलोड करके आपको अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। एंड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट को जब आप अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको आपका जो पर्सनल डेटा होगा उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, दैट मीन्स आपका जो पर्सनल डेटा है वो सेव रहेगा। बट स्टिल यहाँ पर सैमसंग रिकमेंड करता है कि आपका अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको कि आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं तो फिर आप उसको अगर बैकअप ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हो सकता है 1% चांस होता है कि आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाए। वेल, यही था आज की इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो चले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।